दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव टू ड्राइव में कैसे ट्रांसफ़र करें। अगर कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन अगर लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो आपका सारा कॉन्टैक्ट्स सेव टू ड्राइव में अगर चला जाता है तो हमेशा के लिए सेव रहेगा, क्योंकि सेव टू ड्राइव जो होता है ये ईमेल आईडी से कनेक्टेड होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव टू ड्राइव में कैसे ट्रांसफ़र करें। और अगर कभी आपका सिम भी चेंज हो जाए या फिर आप सिम निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं जो है, या फिर ख़राब हो जाता है आपका सिम, फिर भी आपका जो है कॉन्टैक्ट सेव टू ड्राइव में हमेशा के लिए सेव रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पे शेयर कॉन्टैक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, आपके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं सब यहाँ से शेयर हो जाएगा, चाहे 200 हो, 300 हो, जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं एक साथ जो है आपका यहाँ पे शेयर पे चला जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे कि सेव टू ड्राइव में कैसे सेव करना है, क्योंकि अगर सेव टू ड्राइव में सेव कर लेते हैं तो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो चलिए सेव टू ड्राइव पर क्लिक कर देते हैं। सेव टू ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, टाइटल, अकाउंट। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये ईमेल आईडी से कनेक्टेड होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है नीचे अकाउंट है यानी कि ईमेल आईडी है। आप यहाँ पे क्लिक करके ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सा ईमेल आईडी में रखना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग नेम को चेंज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल को आप अपना नेम को चेंज कर दें ताकि आपको जो है याद रहे। तो यहाँ पर आप नेम दे दें, तो यहाँ पे वी कार्ड्स के बाद मैं कुछ शॉर्ट में लिख देता हूँ ईमू। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयरिंग टू अपलोड फाइल हो रहा है, तो इस तरह से ये जो है योर वन फाइल इज बीइंग अपलोडेड टू माई ड्राइव। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है सीधे ड्राइव में चला गया है। अब चलिए हम लोग बैक आते हैं और देखते हैं कि माई ड्राइव में गया है या नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके भी जो है एंड्रॉयड पे माई ड्राइव का ऑप्शन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो यहाँ पे आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। आपके एंड्रॉयड पे ड्राइव ज़रूर होगा, गूगल ड्राइव, तो इसको जस्ट ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फाइल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में जो यहाँ पर मेरा आ गया है वी कार्ड्स ईमो, यहाँ पर ये वेटिंग फॉर वाईफाई के लिए है। यहाँ पर आपको तीर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेटिंग टू अपलोड, ये अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है दोस्तों। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाइड टाइम रहेगा आपका 9:41 AM वी कार्ड्स ईमो। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव टू ड्राइव में ला सकते हैं, ये हमेशा के लिए यहाँ पर सेव रहेगा, कभी भी यहाँ से जो है डिलीट नहीं होगा। और अगर आप वापस यहाँ से जो है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वी कार्ड्स ईमो पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि क्रिएट कॉन्टैक्ट्स अंडर अकाउंट, तो यहाँ पे आप जिसमें जो है इंपोर्ट करना चाहेंगे ईमेल आईडी पे या फिर एमआई अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं जीमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट वी कार्ड। जैसे ही यहाँ पर आप ओके कीजिएगा, फिर से आपको रिटर्न आपके जो है एमआई आपके कॉन्टैक्ट्स पर चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव टू ड्राइव में कैसे लाएं, जो कि ये हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो और बताइए वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।